Assalamu alaikum, dear students. This is Salva Omar from the Spark School and College, Central Campus. Dear students, today we are going to discuss about the SMART scheme from second monthly assessment. Firstly, I want to tell you something about your semester. But I want to tell you something about your semester. Most of the students are confused. Aksar students confused hote hain ki hum kaise taiyari kare semester ki hame taiyari karni kaise hai. तो बेटा मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि आपको सेमेस्टर में फर्स्ट मंथली असेसमेंट जो है और जो सेकंड मंथली असेसमेंट है वो इस स्मार्ट स्कीम के अंदर आ गई है। कहाँ गए? स्मार्ट स्कीम के अंदर। स्मार्ट स्कीम के अंदर ओनली जस्ट 10 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू स्मार्ट स्कीम और जो 6-7 या 8 क्वेश्चन आपके थर्ड मंथली असेसमेंट के अंदर है वो आपको याद करने हैं, जो आपने थर्ड मंथली असेसमेंट के पेपर दिए थे वहां से याद करने हैं। तो जो 10 क्वेश्चन है स्मार्ट स्कीम के अंदर वो तो हर टीचर ने डिस्कस कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन याद करने हैं 10 जो स्मार्ट स्कीम के अंदर हैं और फिल इन द ब्लैंक्स आपको स्कीम से याद करने हैं। और बाकी रही जो थर्ड मंथली असेसमेंट वो तो आपने पेपर दिए थे वो उसमें से याद करने हैं जो आपके थर्ड मंथली के पेपर से वहां से। तो ये मिला के आपके 18 क्वेश्चन हो गया आई थिंक, तो उनसे आप याद कर लें क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपका पेपर जो होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा, तो एमसीक्यू टाइप पेपर के लिए आपको रेडी रहना है। कहां से? फर्स्ट सेकंड स्मार्ट स्कीम और थर्ड मंथली स्कीम यानी थर्ड मंथली असेसमेंट जो है वो सारे, तो उसके अंदर भी जो कुछ क्वेश्चन थे जो आपके थर्ड मंथली असेसमेंट के अंदर आए थे वो क्वेश्चन आपको याद कर लें। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ब्स? बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वर्ब्स की क्या खासियत है? जुड़े बेटा, वर्ब्स आर लॉन्ग बॉडी, ट्यूब लाइक बॉडी दैट हैज नो आर्म्स और लेग्स। बेटा वर्ब्स जो होते हैं उसके लॉन्ग बॉडी होती है और ट्यूब लाइक होती है, उसके अंदर कोई आर्म्स या लेग्स नहीं होते। जैसे कि हमारे पास आर्म्स से मूवमेंट करने में हेल्प देते हैं, तो इसी तरह वर्ब्स के अंदर कोई भी आर्म्स या लेग्स नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोटलीडॉन एंड वेयर इट इज फाउंड? बेटा कोटलीडॉन की स्ट्रक्चर क्या है? बेटा कोटलीडॉन इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड। बेटा कोटलीडॉन जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो इनसाइड द लीफ ढूंढ के फाउंड कहां होता है या कहां मिलता है, वो बेटा इनसाइड द लीफ हमें मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सीड कोट? सीड कोट क्या होती है? बेटा सीड कोट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड। बेटा सीड कोट जो होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है प्लांट्स की, जो प्लांट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोनोकॉट? आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मोनोकॉट। मोनोकॉट का मतलब क्या है? बेटा साइंटिफिक काउंटिंग होती है, जैसे कि हम बोलते हैं 1, 2, 3 इंग्लिश में बोलते हैं, सिंधी उर्दू में बोलते हैं 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से साइंस के अंदर बेटा काउंटिंग है। मोनो मींस 1, डाई मींस 2, बाई मींस 2, ट्राई मींस 3, टेट्रा मींस 4, पेंटा मींस 5, लाइक दैट काउंटिंग जो होती है। तो इसके अंदर है मोनोकॉट प्लांट क्या होते हैं? बेटा मोनोकॉट प्लांट इज दैट दोस प्लांट दे हैव द ओनली वन सीड लीफ, जिसके अंदर एक सीड लीफ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स। दूसरे होते हैं डाइकॉट, जिसके अंदर दो सीड लीफ हो तो उसे हम बोलते हैं डाइकॉट। तो बेटा आज हमने डिस्कस किया 4 क्वेश्चंस जो आपके स्मार्ट स्कीम के अंदर हैं। सो काइंडली यू हैव टू मेमोराइज द क्वेश्चन फ्रॉम स्मार्ट स्कीम एंड द थर्ड मंथली असेसमेंट, सॉरी थर्ड मंथली असेसमेंट सॉरी। तो ये तीनों मिला के आप याद करेंगे, जब इंशाल्लाह आपका पेपर एनएमए से निकलेगा, एमसीक्यू टाइप होगा, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट आप मेमोराइज करें, एमसीक्यू टाइप आपका क्वेश्चन होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।